हाय गाइस, कि आपका सिर भी सूपी हो जाता है और आपको लगता है मेरा तो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है विद नाइसिनमाइड, विद अल्फा आर्बिटिन एंड विद मेनी अदर सीरम्स ऑल्सो। गाइस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो सीरम्स होते हैं ना, उसमें हायर कंसेंट्रेशन में इमल्सीफायर होता है। इमल्सीफायर क्यों होता है? अगर वो हमारा सीरम सोपी हो जाता है तो उसकी क्या ज़रूरत है? गाइज, इमल्सीफायर इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, उसको एक साथ बाइंड करने के लिए, फर्दर उसे सेपरेशन से बचाने के लिए, इसलिए हमारे फॉर्मूला में इमल्सीफायर को मिक्स करते हैं। अब जितना ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में इमल्सीफायर मिक्स होता है, उतने चांसेस होते हैं कि हमारा जो सीरम है वो सोपी होना स्टार्ट हो जाता है। अब फर्दर उसके और भी रीजंस होते हैं जो हमारा जो सीरम है वो सोपी होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हमने ना, हमारी जो स्किन है वो क्लीन नहीं होती है प्रॉपरली, हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर रह जाता है। सेकेंड, हमने टॉप लेयर पर मॉइस्चराइजर लगाया और फिर हम सीरम को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड रीज़न ये होता है, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ले रहे हैं। एंड फोर्थ रीज़न ये होता है कि हम उसे जेंटली पैड ड्राई नहीं कर रहे, हम उसे मसाज कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा उसे मसाज करोगे, वो उतना ज़्यादा सोपी होना शुरू हो जाएगा। अब हमें ऐसा क्या नहीं करना है जिससे हमारे जो सीरम है वो सोपी ना हो? फर्स्ट रीज़न, हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को लेना है। सेकेंड, अगर हमारा जो सीरम है वो सोपी हो भी रहा है तो उसे ना जेंटली पैड ड्राई करना है। अब मसाज जितना करोगे वो सोप होनी बननी शुरू हो जाएगी, तो इसे जेंटली जितना पैड ड्राई करेंगे वो स्किन में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। आई नो गाइस, थोड़ा सा अनोइंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर सीरम सोपी हो रहा है तो आप उसे सिर्फ जेंटली पैड ड्राई करो। लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन कि आपका ऐसा कौन से सीरम के साथ होता है। I hope you like this video. Follow for more.